नामपल्ली में वाक़े टेक की मस्जिद के सामने 130 स्क्वायर यार्ड्स की जमीन पर गैरकानूनी तौर पर तामीर की गई दुकानों को अदालत के हुक्म के बाद इन्हदाम कर दिया गया। इसके बाद वक्फ बोर्ड ने अपनी तहवील में लेते हुए सील कर दिया। उस जमीन पर मौजूद दुकानदार लगातार इन्हदामी कार्रवाई को रोकने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनके मुताबिक उस जमीन पर वो कई साल से कारोबार कर रहे हैं। लेकिन अहदेदारों ने अदालत के हुक्म का हवाला देते हुए जेसीबी की मदद से पुलिस की निगरानी में इस कार्रवाई को अंजाम दिया। कोर्ट के डायरेक्शन के ऊपर ये रहमतुल शाह दरगाह शरीफ और कब्रस्तान की जो जगह है, ये यहाँ पे कुछ होटल और कुछ चीज़ें बनाकर लकड़ी की स्टॉल चला रहे थे। इसके ऊपर वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल चले गया। ट्रिब्यूनल में वक्फ बोर्ड के फेवर में कोर्ट आया। इसके बाद ये ट्रिब्यूनल के आर्डर को हाईकोर्ट अलो करा। फिर हम इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट क्लियर डायरेक्शन दिया, 3 महीने के अंदर इसको प्रॉपर्टी को हैंड ओवर करने के लिए डायरेक्शन दिया गया। इसके ऊपर हम रेवेन्यू RDO को एज़ पर RDO के एवेक्शन आर्डर के ऊपर वक्फ बोर्ड की टीम आकर प्रॉपर्टी हम हैंड ओवर कर लिए हैं। इस प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी है, ये वक्फ की प्रॉपर्टी, पीर वक्फ की प्रॉपर्टी है। ये जो भी है अल्लाह वाले, अल्लाह के राह में जो प्रॉपर्टी वक्फ करे, ऐसे प्रॉपर्टियों को लोग लेकर इलीगल तरीके से मैनिपुलेट करके और कोर्टों तक जाकर आज वक्फ बोर्ड से लड़ा कर रहे हैं, ये गलत है। वक्फ की प्रॉपर्टी वक्फ की रहेगी, 1000 साल होने दो, क़यामत तक वक्फ की रहती। मेहरबानी करके जो भी वक्फ की प्रॉपर्टी खाने वाले, वक्फ की प्रॉपर्टी लैंड ग्रैबिंग करने वाले, वक्फ की प्रॉपर्टी को गलत इस्तेमाल करने वाले के लिए एक मैसेज है, ये बहुत बड़ा मैसेज है। इसलिए ये वक्फ का मामला है, वक्फ के मामले में कोई भी कोर्टों तक जाकर यहाँ तक नहीं करना। अगर कोई वक्फ की प्रॉपर्टी है, मालूम हो गया, तो किरायादार बन जाओ, आसानी से किरायादार बन जाओ, आप किराए से रह सकते, आपको किराए से रहने में कोई एतराज़ नहीं है। कितनी प्रॉपर्टी है ये? ये करीब करीब 130 गज 140 गज के करीब है, और इसके तहत बाकी के पूरे प्रॉपर्टियां हैं वो सब किराया दे रहे हो लोग, किरायादार है। ये एक ही जो सो ओनरशिप क्लेम करके लड़ रहे थे, गलत साबित हुआ वक्फ की प्रॉपर्टी। बल्कि टोटल एक्सटेंड लैंड, जो लैंड है दरगाह की, जो लैंड है ना, जो कब्रस्तान की लैंड है, वो पूरी एक्सटेंड लैंड है। उसमें डिस्प्यूट ये 130 का है। ये है ट्रिब्यूनल गए पहले, ट्रिब्यूनल वक्फी ट्रिब्यूनल गया, ट्रिब्यूनल क्लियर कट, कभी भी ट्रिब्यूनल सिविल कोर्ट ट्रिब्यूनल टाइटल देखता, टाइटल क्लियर साबित करके वक्फ की प्रॉपर्टी बोला, और टाइटल के ऊपर हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट अलो किया। उसके बाद हमारे हाईकोर्ट अलो करने के बाद हम क्या करें, उसको अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दिया, ये इंक्रोचमेंट हुआ ये प्रॉपर्टी का, आर्डर ये पार्टी का। और इसके ताल्लुक से मीडिया के सामने ऐसे हज़ारों केसे हैं लड़ रहे हैं। इसके ऊपर हमारे CO साहब शाहनवाज कासिम साहब, अब अभी वक्फ बोर्ड सलीम सलीम साहब भी चेयरमैन सलीम साहब, ये लोग अभी इसके तय इसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं। स्पेशली अब हमारे जो ऑफिस है, हेयर ऑफिशल्स के डायरेक्शन पे हम आए, RDO को डायरेक्शन दिए, RDO कलेक्टर RDO को देने के बाद हम जो है सो हमारे पोजीशन हैंड ओवर कर दिए हैं, हैंड ओवर कर लिए पोजीशन में, वक्फ के प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी ले चुके हैं। ये है बात, अब कितने प्रॉपर्टियाँ, कितने केसेस, आप रोकिए, 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 आप
पिटीशन देने का नहीं है सर्कल साहब जो है ना कोर्ट ऑफ द कंडम है शहबाज भाई पूरा नोट करो आप कोर्ट ऑफ द कंडम कोर्ट का कंडम है आप पूरा सुप्रीम कोर्ट में हूँ ऑलरेडी मैं पूरा वहाँ हूँ और पूरा इनका करतूत है वहाँ डाल रहा हूँ और यहाँ पे भी मैं बोलता हूँ कि पूरे केस टूटे यहाँ पे अंदर से फोटो वाला लोगे అమ్మా లోపల ఇంత ఓనర్ డాక్యుమెంట్స్ డూప్లికేట్ డాక్యుమెంట్స్ చేసి హరాస్మెంట్ కర్ డూప్లికేట్ డాక్యుమెంట్స్ कौन है चलो जाओ जी जाओ वाले कौन है वाले कौन है
कौन है रेवेन्यू वाला? कौन है रेवेन्यू वाला? कौन है बात करिए आप, बात नहीं करना चाह रहे हैं आप, डायरेक्शन नहीं है। हाँ जी आप देखो आप बात करो, नहीं करता मेरा वॉइस ले देना, एक मिनट सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है साहब, तो कैसे आएंगे हवा में उड़ते, दिल्ली से कैसे आएंगे हम? अग्नि में बात कीजिए ना, बात कीजिए ना, बात करो, बात करो, बात करो, बात करो, कौन बात कर रहे हैं? अरे बस बात कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं साहब, पेपर दिया ना, गलत कर रहे हैं ना, एक सेकंड वीडियोग्राफी कर लिया, वीडियोग्राफी कर तो छोड़ दूँ, हैंड ओवर कर दूँ, प्रॉपर्टी डालो, कंटेंट डालो, केस है ऑलरेडी, केस चल रहा है, तुम लोग अगर देखो बाबू, केस चल रहा है ना, एक बात सुनो भाई, देखो तुम लोग परेशान कर रहे, हबीबनगर पुलिस स्टेशन कल से जा रहा हूँ, कल से सर्कल साहब पहले जा रहा हूँ, मेरे को पेपर नहीं दिए, पेपर सर्कल साहब नहीं दिया मेरे को, उन्होंने बोले क्या नहीं बाबा ये देख लो चले जाओ, बोलते बोले अब सुबह में एक्शन ले रहे, अगर मेरे को पेपर देते आप तो नोटिस बात करिए सर, प्रॉपर्टी जो भी है आप नहीं बोल सकते, प्रॉपर्टी है नहीं होती है ना, हाईकोर्ट में नहीं जीत सका, सुप्रीम कोर्ट में कैसा जीता? अरे नहीं है, अरे Thank you.